बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीए यानी नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा दावा किया है। सीए पर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा दावा किया, एक सप्ताह में पूरे देश में सीए लागू होने का दावा उन्होंने कर दिया है। शांतनु ठाकुर ने कहा कि गारंटी दे रहा हूं कि 7 दिन में सीए लागू होकर रहेगा, बड़ा दावा किया है सीए पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने। ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে। আশিকা মেরি সহযোগী ইস বক্ত কলকাতা সে আমার সাথে জুড়ি। আশিকা, বড়া দাবা গিয়া শান্তনু ঠাকুর নে। जी बिल्कुल, बड़ा दावा है सीए को लेकर के संशय लंबे समय से बना हुआ था और मतुआ संप्रदाय जो कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में है उनको साधने की कोशिश सभी दल करते हैं। बीजेपी के साथ खड़े मतुआ नजर आए हैं पिछले चुनाव में, कई चुनाव में, खासतौर पर इस मौके पर एक सप्ताह के भीतर सीए लागू होगा ये कहना ये बड़ा दावा है। सभी जो इसको लेकर के शंका बनी हुई थी वो शंका के सभी बादल फट गए हैं और साफ है कि जल्द ही सीए जो है वो धरातल की सच्चाई बनेगा। अब नजर रहेगी कि ममता बनर्जी इस पर क्या बोलती है। चलिए हम आशिका से बात करें तो आप बता दें, शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है, केंद्रीय मंत्री हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर सीए लागू होकर रहेगा, ये बड़ा दावा किया एक हफ्ते के अंदर अंदर, और इसकी बाकायदा मैं गारंटी दे रहा हूं। ये बात उन्होंने, देखिए आप किस तरह से एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि मैं ये गारंटी दे रहा हूं केवल 7 दिन के अंदर अंदर ये सीए लागू हो जाएगा। आशिका हमारे साथ है। आशिका, अब नजर रहेगी कि ममता बनर्जी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, उनकी तरफ से रिएक्शन जरूर आएगा। देखिए बिल्कुल, आज भी जनसभाएं, संभव है कि ममता बनर्जी इस विषय पर कुछ कहें, लेकिन आपको उसके पहले बता दूं कि कुणाल घोष टीएमसी के नेता हैं, वो इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। कुणाल घोष का ये कहना है कि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि सीए को यहाँ पर लागू होने नहीं देंगे और जो भी वोट देता है वो वोटर है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको फिर से नागरिकता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि सीए को लेकर के कहीं ना कहीं घबराहट भी तृणमूल कांग्रेस के खेमे में या सत्ताधारी पार्टी के खेमे में यहाँ पर कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए।